हाय, दिस इज नेहा जोशी। आप आज सॉन्ग रिकॉर्डिंग बताई है, तो क्या कहेंगी दिल के दर्द के बारे में? जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कैची सॉन्ग लगा मुझे। और खुशबू जी जिस तरह से इसे गा रही हैं, इट्स रियली रियली फैंटास्टिक। जो उनका गाने का अंदाज है वो बहुत ही, मतलब, आइटम सॉन्ग को एकदम सूटेबल कर रहा है, तो इट्स रियली रियली वेरी नाइस। अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइए आप। आने वाले प्रोजेक्ट में मैं मिस्टर बी के साहू जी की मूवी कर रही हूँ, जो पुनर्जन्म पे बेस्ड है। अभी फ़िलहाल तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी, लेकिन इसमें मैं पैरेलल लीड करने वाली हूँ। इससे पहले आप क्या कर चुकी हैं? इससे पहले मैंने दो हिंदी मूवीज़ किए हैं। एक पैट्रियाटिक फिल्म कर चुकी हूँ जो मध्य प्रदेश के बिगेस्ट फ्रीडम फाइटर पर बेस्ड थी, टंटिया भील। आई प्लेड मेन लीड, मेरी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल एज यशोदा। देन सेकेंड मूवी थी, हॉरर मूवी थी, बच के ज़रा, जो इंग्लिश मूवी द एविल डेड का वो थी, ट्रांसलेशन थी। उसमें भी वन ऑफ द लीड एज स्वीटी किया था मैंने। इसके अलावा कपल ऑफ सीरियल्स किए मैंने, जैसे साईं बाबा फॉर स्टार प्लस, सेंट्स ऑफ इंडिया फॉर NDTV इमेजिन, कपल ऑफ एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म। कुंदन जी के साथ आप कैसे जुड़ी? कुंदन जी से, एक्चुअली कुंदन जी की मुलाकात को मुझे आई थिंक 6 महीने से भी ज़्यादा हो गए। मैं यही कहूँगी, बहुत ही फैंटास्टिक डायरेक्टर हैं और कूल पर्सन हैं, और अभी तक का उनके साथ जितने साथ मेरा भी संपर्क रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है। और मुझे पता है कि हमारा जो वर्क होने वाला आगे की, बहुत ही अच्छा होने वाला है। थैंक यू।